हाय फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे संडे नाइट का मैच जो कि लीड्स और लिवरपूल के बीच में है। देखिए, इस मैच से बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी सो कॉल्ड टॉप फोर टीम्स हैं लिवरपूल के अलावा, वो मैच अपना खेल चुकी हैं सैटरडे को, और सब ने ही बहुत इम्प्रेसिव जीत दर्ज की है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वापसी की और दो गोल किए, और वहीं पर लुकाकू ने भी दो गोल स्कोर किए, और मैनचेस्टर सिटी के बर्नार्डो सिल्वा ने स्कोर करके लेस्टर सिटी को हराया। तो देखिए, इस गेम में लिवरपूल पे काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर रहेगा, और भले ही ये सीज़न का सिर्फ चौथा गेम है, लेकिन अभी से ही अगर आप देखें तो जो टॉप टीम्स हैं वो बहुत अच्छा और बहुत कंपेरेटिव खेल रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्लिप अप किसी भी टॉप फोर टीम के लिए काफ़ी ख़तरनाक रहेगा, और यहाँ पर देखना रहेगा कि लिवरपूल कैसा परफॉर्म करती है। वहीं पर लीड्स की अगर हम बात करें, देखिए लीड्स एक सबसे, अगर आप सीनिक टीम्स की बात करें, एक टीम को देखने में जो मज़ा आता है वो लीड्स यूनाइटेड है। जिस टाइप से वो ओपन फुटबॉल खेलते हैं, कैरिस्मेटिक खेलते हैं, अटैकिंग खेलते हैं, और कभी भी जैसे भी मार्को बिएसला जो उनके कोच हैं, उनका जो स्टाइल है वो वैसा ही है कि ओपन फुटबॉल खेलना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव गेम होगा, बिकॉज़ लिवरपूल भी ऐसी टीम्स के साथ काफ़ी अच्छा खेलती हैं जो ओपन फुटबॉल खेले। लेकिन बहुत सारे पंडित्स और बहुत सारे लोग जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, वो इस गेम में ड्रॉ रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि लिवरपूल के पास शायद इतनी पावर रहेगी कि वो गेम 3-1 या 3-2 निकाले, लेकिन एक बात बहुत इसमें देखने को मिलेगी कि इसमें गोल्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग टीम सिलेक्शंस की बात करें, तो हमने इसमें मेसलियर को सिलेक्ट किया है लीड्स के कीपर, क्योंकि हमें लगता है कि इवन दो ये लीड्स का होम गेम है, तो एलिसन बैकर के पास भी चांस काफ़ी होंगे शॉट्स रोकने के, लेकिन नंबर ऑफ़ शॉट्स जो लिवरपूल लेता है वो आई थिंक अभी सीज़न का हाईएस्ट है जो वो गोल पे लेते हैं, चाहे वो जोटा हो, साला हो, माने हो। तो मुझे लगता है कि मेसलियर के पास ज़्यादा शॉट्स रोकने का मौका होगा, और सब्सिक्वेंटली यहाँ पर पॉइंट्स भी वो गेन कर सकते हैं। डिफेंडर्स की बात करें तो देखिए, अभी के लिए हमने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लिया। देखिए, वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, डिफेंडर, तो वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड माने जाते हैं, अटैक करते हैं, आगे जो उनके क्रॉसेस होते हैं, असिस्ट किंग भी कहते हैं, फ्री किक्स भी लेते हैं, तो आप इनको डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे। वहीं पर वर्जिल वैन डाइक को हमने लिया, क्योंकि देखिए इस गेम में वर्जिल वैन डाइक का भी काफ़ी अच्छा रोल रहेगा, चाहे वो इंटरसेप्शन हैं, चाहे वो यू नो पासिंग है, कहीं पर वो असिस्ट भी कर सकते हैं। कॉर्नर अगर लिवरपूल ले तो लीड्स कंसीड भी काफ़ी करते हैं सेट प्ले से, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वैन डाइक का रोल आएगा। और वहीं पर हमने लीड्स के लियाम कूपर को लिया है, डिफेंडर हैं, अच्छा खेलते हैं लीड्स के लिए, और कुछ ना कोई बोनस पॉइंट्स भी लेके जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम चौथे डिफेंडर की बात करें, तो हमने अभी एंडी रॉबर्टसन को लिया। देखिए, पिछला गेम वो चेल्सी के गेम्स इतना अच्छा नहीं खेले थे, इंजरी के बाद वापस आते हैं। हालांकि सिमेकस बहुत बढ़िया खेल रहे थे उससे पहले, लेकिन क्योंकि वो बड़ा गेम था, रॉबर्टसन वापस आ रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। इस गेम में हमें लगता है कि रॉबर्टसन का गेम थोड़ा बेटर रहेगा, और वो भी एक असिस्ट या चांसेस क्रिएट कर सकते हैं और स्कोर आपको अच्छा दे सकते हैं। मिडफील्ड की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगेन अभी हमें ये नहीं पता कि टीम क्या सिलेक्ट होगी, क्योंकि मैच 8-9 घंटे के बाद है। तो जो आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं जो हमें लगता है काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म करेंगे, सादियो माने को डेफिनेटली टीम में होने ही चाहिए। इवन दो वो बहुत अच्छी फॉर्म में कुछ सीजन से नहीं है, लेकिन कभी भी गोल और असिस्ट वो कर सकते हैं, और जिस टाइप से लिवरपूल फॉरवर्ड्स खेलते हैं तो डेफिनेटली माने के पास चांस है उनको ऐड करने का। वहीं पर लीड्स के बहुत इंप्रेसिव प्लेयर, हालांकि अभी ही ब्राज़ील के लिए भी सिलेक्ट हुए प्लेयर राफिनिया भी हैं। राफिनिया का इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आ रहे थे कि वो शायद लिवरपूल ज्वाइन करेंगे इस समर में, तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और हमें लगता है कि शायद इस गेम में गोल और असिस्ट वो कर सकते हैं। वहीं पर आप बात करें तो लीड्स के स्टुअर्ट डैलस मुझे बहुत इंप्रेसिव प्लेयर लगते हैं, ये भी काफ़ी फॉरवर्ड उसमें खेलते हैं, इनका भी स्कोर शीट पे आता है, तो इसीलिए हमने डैलस को भी इस गेम में लिया। और वहीं पर क्लिच को हमने लिया है। जैक हैरिसन हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें लगता है जैक हैरिसन थोड़ा सा पीछे खेलेंगे इस गेम में, लेकिन अगेन जिस फॉर्मेशन में लोग खेलेंगे, जो जो स्टार्ट करेंगे, उस हिसाब से हम अपनी टीम को चेंज करेंगे। फॉरवर्ड लाइन में हमने देखिए मो साला और जोटा को लिया है। हालांकि बैमफोर्ड को लेने का बहुत बहुत ही मन है मेरा भी, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि कौन स्टार्ट करेगा।
लेकिन बैमफोर्ड क्योंकि ये 10 इनके क्रेडिट वैल्यू है, और चाहे उन्होंने लास्ट मैच में गोल किया जो उनका पहला गोल था सीजन का, हमें फिर भी लगता है कि जोटा वुड बी फेवरेट टू स्कोर, बिकॉज वो हमेशा ही गोल स्कोर करते हैं। पोर्चुगल के लिए भी जो मिड वीक में खेले थे तब भी उन्होंने गोल असिस्ट किया, तो जोटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही आप मो साला को कर सकते हो। तो लेकिन अगर फॉर्मेशन कुछ अनाउंस हो, कोई प्लेयर स्टार्ट नहीं करेगा, तो हम ट्राई करेंगे कि हम बैमफोर्ड को भी टीम में ले सके। देखिए ये हमारी टीम है, इसमें हमने साला को कैप्टन और जोटा को हमने वाइस कैप्टन लिया है, और अपडेटेड टीम जो भी होगी, जब जो प्लेयर स्टार्ट करेगा, जो नहीं कर रहा होगा, हम आपको बता देंगे, और उसमें आप अपने तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हैं। अभी के लिए ये हमारी टीम है, और लाइनअप अनाउंस होने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको वो टीम हमारे YouTube चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट को ड्रीम 11 टीम्स के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।